पाकिस्तान की सीमा पर जारी करतूतों का असर अब हिंदुस्तान के अंदर भी दिखने लगा है। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले शिव सैनिकों के विरोध के चलते पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हुआ और उसके बाद एक पाकिस्तानी लेखक की बुक लॉन्च कराना सुधींद्र कुलकर्णी को काफी महंगा पड़ गया। शिव सैनिकों ने उनके मुंह पर कालिख पोत दी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के बुक लॉन्च इवेंट के ऑर्गेनाइजर सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोती गई। स्याही फेंकने का आरोप शिवसेना के मेंबर्स पर है। कसूरी की बुक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव लॉन्च हो रही है। वहीं इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलकर्णी ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। कुलकर्णी फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक ऑब्जर्व एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन है। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कसूरी की लिखी बुक की लॉन्चिंग होनी है। कुलकर्णी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के स्पीच राइटर रहे हैं। आईआईटी ग्रेजुएट कुलकर्णी ने 13 साल बीजेपी में रहने के बाद 2009 में पार्टी का साथ छोड़ दिया था। कालिख पोतने की घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कसूरी को पूरी सिक्योरिटी दी जाए। सीएम ने कहा, प्रॉपर वीजा पर भारत आने वाले किसी भी विदेशी डिप्लोमेट को सिक्योरिटी देना सरकार का काम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मुद्दों से सहमत हैं। कार्यक्रम से पहले ही शिवसेना ने कसूरी के बुक लॉन्च इवेंट को रोकने की धमकी दी थी। इसके बाद कुलकर्णी ने इस इवेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार से सिक्योरिटी की मांग की थी। उन्होंने सिक्योरिटी का भरोसा मिलने पर महाराष्ट्र के सीएम को शुक्रिया भी कहा। वहीं शिवसेना ने अपने मेंबर्स की इस हरकत को सपोर्ट किया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ये तो बहुत हल्का रिएक्शन है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है।